हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, शायद 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैं बात किया था कि बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन आप लोग कौन से यूज कर सकते हो आपके एंड्रॉइड मोबाइल के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखो। और एक दोस्तों बात बताते थे कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो लॉन्च है वो कर दिया है, जो एनरोलमेंट है वो स्टार्ट है अभी, तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर वो भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। आप लोग जाके जरूर उस वीडियो को देखो और उसके बाद आप लोगों का जो काम है वो एनरोलमेंट करना, जाके आपका नाम एनरोल करा लो और जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो घर बैठे आप लोग सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कुछ दो तीन ऐसे फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में जो 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 पुराना एप्लीकेशन है उससे काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हम लोग को पता है कि स्नैपसीड है, पिक्सआर्ट है, इसको छोड़ के भी बहुत सारा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ही, बट आज जिस तीन एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करूंगा वो सारे एप्लीकेशन काफी अच्छा है, बहुत सारे नया नया इफेक्ट्स भी है उसके अंदर। मेरे को तो काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है और आप लोग कैसे उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेरे पास तीन एप्लीकेशन है। तो पहले मैं ओपन करता हूँ जो एप्लीकेशन है फोटो एडिटर प्रो, उस एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन मेरे को काफी अच्छा लगा। तो पहले आप जाओ, ऐसे कोई भी एक फोटो को चूज करो, जैसे नहीं ये तो एडिटेड फोटो है इसको नहीं, कोई भी एक फोटो को मैं चूज करो, चलो ये वाला फोटो को मैं चूज किया। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फिल्टर्स मिलता है, जैसे कई तरह के 100 फिल्टर्स आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख रहे हो जैसे। बट कुछ फिल्टर्स है जो यूज करने के लिए आप लोगों को इसको परचेज करना पड़ेगा, जो आप लोग देख रहे हो ऐसा प्रो प्रो लिखा हुआ है। तो ये सारा एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को, ये सारा फिल्टर्स के लिए आप लोगों को ये एप्लीकेशन को परचेज करेगा, बट फ्री में भी आप लोगों को बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इधर आप लोगों को ये जो है ये आप लोग ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों के सामने और भी है, जैसे आप लोग ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वॉर्म, सेचुएशन, फेड, हाईलाइट, शेडो, ये सारे चीज को भी चेंज कर सकते हो। फिर दोस्तों इफेक्ट्स पे आ जाते हैं तो आप लोग देखते हो इधर लाइट इफेक्ट्स भी, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसको छोड़ के आप लोग इधर डस्ट एंड स्क्रैच इफेक्ट भी दे सकते हो, फिर रेनबो इफेक्ट दे सकते हो। तो काफी सारा इफेक्ट्स आप लोग देख रहे हो, जैसे नियॉन, कॉन्फिटी, ब्रोकन ग्लास, तो ऐसे बहुत 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 सारा इफेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इधर आप लोगों को फिट का ऑप्शन है। और एक चीज दोस्तों मैं दिखा देता हूं, देखो ये जो है आपका इफेक्ट्स पे, यहाँ पे नियॉन इफेक्ट्स है, नियॉन इफेक्ट्स पे आप लोग अगर देखो तो देखो ऐसे करके भी आप लोग बहुत सारे इफेक्ट्स को दे सकते हो, बहुत सारा इफेक्ट्स इधर पे भी है। तो दोस्तों मेरे को तो काफी अच्छा लगा ये वाला जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन इसको छोड़ के डबल एक्सपोजर, ब्लर, मिरर, और एक चीज है कि आप लोग इधर बॉडी टैटू भी ऐड कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ टैटू भी है इधर, आप लोग ये सारे टैटूज को भी ऐड कर सकते हो। इसको छोड़ के और भी आप लोग इधर मसल वगैरह आप लोग अगर मतलब आपका बॉडी का थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो ये भी सब ऐड कर सकते हो, हिप एडजस्ट कर सकते हो, वेस्ट एडजस्ट कर सकते हो, फेस हाइट स्लिम, तो बहुत सारा चीज आप लोग इधर पे एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भी काफी अच्छा है। और उसके साथ साथ इस पे बहुत सारा टेम्पलेट है, बट टेम्पलेट के लिए आप लोगों को ऑब्वियसली इसका जो प्रो वर्जन है बेसिकली इसको परचेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कॉमिका। कॉमिका ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये कॉमिक एंड कार्टून कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए है। अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मैं मेरा जो फोटो है उसको मैं एज अ कॉमिक और कार्टून कैरेक्टर दिखाना चाहता हूं तो देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन इज वेरी गुड एंड आई एम रियली लाइक दिस एप्लीकेशन बिकॉज इफ यू गोइंग टू दिस एल्बम और यहां से अगर आप कोई भी एक फोटो को चूज कर लो, चलो मैं इसी फोटो को चूज कर लेता हूं, इसको आप देखो यहाँ पे आप बहुत सारे जैसे ये कार्टून, कॉमिक, स्टैम्प, लूसिड, मार्कर, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ा कमा भी सकते हो आप लोगों को जिस हिसाब से चाहिए, फिर आप टिक कर दो। फिर आप लोगों के पास ऐसे करके कुछ लिखने का भी है,
तो लिख सकते हो, टेक्स्ट भी आप लोग लगा सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसको छोड़ के इधर पे आप लोग किस हिसाब से इसको कहाँ पे लगाना चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट भी कर सकते हो, बेसिकली इसका फ्रेम सेट कर सकते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिकर्स भी है, जैसे ये कूल वाला स्टिकर्स आप लगा दो। इसको छोड़ के अगर आप लोगों को और भी स्टिकर्स चाहिए तो बहुत सारा स्टिकर्स भी इधर है, जो सारे स्टिकर्स को आप लगा सकते हो। बेसिकली एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को अगर कार्टून कैरेक्टर क्रिएट करना है और इंस्टाग्राम पे आप लोग फोटो डालना है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एप्लीकेशन है वो है पिक्सालू। इनलाइट पिक्सालू बेसिकली इट्स अ प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन मेरे को तो लगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इस पे भी बहुत सारे चीजें जहां पे आप लोग चेंजेस कर सकते हो। जैसे एनिमेट करके अगर आप लोग ऐसे करके कोई भी पाथ को सिलेक्ट करके इसको प्ले करोगे तो आप देख रहे हो बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप अगर पीछे कोई भी चीज है, कोई भी बैकग्राउंड है पीछे, तो उसको आप एज अ मूविंग कर सकते हो। जैसे आपके पीछे कोई भी वाटरफॉल हो तो आप उस वाटरफॉल को भी मूविंग कर सकते हो। इसको छोड़ के यहाँ पे बहुत सारा देखिए जो आपका क्या बोलते हैं इसको इफेक्ट से वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोग इधर स्काई वगैरह सब ऐड कर सकते हो, ये आप लोग देख रहे हो इधर देखो स्काई मूविंग स्काई भी आप लोगों को दिख रहा है पीछे, तो ऐसे करके बहुत सारा है। इसको भी आप लोग डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। फिर इधर पे आप लोग कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, जैसे मैं अगर इस एलिमेंट को ऐड कर दूं इधर पे तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। इधर देखो आपके फोटो के पीछे आपके स्टिल फोटो है बट इसके साथ साथ आप लोगों को इसे पंछी भी उड़ रहा है। आप इधर एक तितली भी ऐड कर सकते हो, देखो आप ये तितली भी ऐड कर सकते हो। फिर ये ऐसे टाइप का एक जो गैलेक्सी का है वो भी ऐड कर सकते हो। इसको छोड़ के भी बहुत सारे इफेक्ट है, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर दोस्तों आते हैं और एक चीज जो है यहाँ पे आप लोग ओवरले कर सकते हो। जैसे ओवरले मतलब ये फोटो के ऊपर आप लोग देखो ऐसे करके भी बहुत सारे पीछे जो बादल है वो भी रनिंग है ऊपर, ये तितलियां भी उड़ रहे, और उसको छोड़ के साउंड आप लोग ऐड कर सकते हो। बट इसके लिए आपको प्रो वर्जन जो है वो चाहिए। कैमरा इफेक्ट्स इसके इसपे भी बहुत सारा देखिए इफेक्ट्स है आप लोगों के लिए, जो आप लोग देखिए आपका जो फोटो है वो मूविंग है। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रोफेशनल एप्लीकेशन है। जैसे आप लोग देख रहे हो आपका ये नॉर्मल फोटो है बट इस पे कैसे ये मूव हो रहा है, और ये आप लोग देख सकते हो कि कैसे इस पे आप लोग इफेक्ट भी डाल सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली ये जो तीनों एप्लीकेशन है इसको आप लोग ट्राई करो। मेरे को तो लगा कि ये एप्लीकेशन जो तीनों एप्लीकेशन ये आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। So, दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने जिस तीन एप्लीकेशन के बारे में बताया आप लोगों को कि फोटो एडिटर प्रो, उसके पिक्सालू एंड कॉमिका, ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन तो आपके फोन में ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, और जो जिस इसका जो आउटपुट है वो भी काफी अच्छा है, बहुत सारा इफेक्ट्स भी आप लोगों को मिलता है। तो जरूर इस तीन एप्लीकेशन को यूज कीजिए, अपना फोटो को एडिट कीजिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिए और मेरे को टैग कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी टेकफिनी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे जरूर मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर मेरे को फॉलो करो। और अगर आप लोग इस एप्लीकेशन की यूज कर कोई भी फोटो को एडिट करते हो तो प्लीज मेरे को टैग कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।